वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। अगर आजकल कोई एक केस जो सबके जबान ज़द आम है वो है नूर मुकद्दम कत्ल केस, और इस केस में जो है हम देख रहे हैं कि नए नए पहलू से नए नए जावियों से तहकीकात हो रही हैं, एंड जैसे जैसे ये तहकीकात आगे बढ़ रही है बहुत सारी नई बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन ये एक केस नहीं है, इससे पहले तवातुर से जो वाकयात अभी हाल ही में सामने आए, जिसमें कुरतलैन का वाकया था, जिसमें अभी खतीजा नामी जो वाकया तो 2016 में हुआ था, लेकिन उस पर खंजर से वार करने वाले शाह हुसैन को 1.5 साल सज़ा में रियायत हो जाना, ये वो वाकयात हैं। या मोटरवे रेप इंसिडेंट अगर आपको याद होगा, सानिहा साहिवाल आपको याद होगा, बच्चों के साथ ज्यादती का केस याद होगा, लड़कियों पर तशद्दुद का केस याद होगा। आए दिन सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर और उसके आगे उन तमाम बच्चियों की, उन तमाम लड़कियों की, उन तमाम ख्वातीन के नाम लिखे जाते हैं। और सवाल यही होता है कि जब तक क्या मीडिया इन केसेस को उठाएगा नहीं, या जब तक सोशल मीडिया पर वावेला नहीं मचाया जाएगा, क्या मशीनरी हरकत में नहीं आएगी? आज भी अगर कोई शख्स चाहता है तो वो होता है इंसाफ का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि जिससे वाकई इंसाफ मिले उस जालिम को, उस दरिंदे को जिसने बड़ी सफाकी से इन तमाम बच्चियों को, ख्वातीन को बेदर्दी से अपने तशद्दुद का निशाना बनाया, ज्यादती का निशाना बनाया, फिर उन्हें कत्ल किया, बहीमाना कत्ल जिसे कहते हैं वो किया गया। लेकिन जब कभी भी ऐसे मुल्ज़िम पकड़े जाते हैं, उस मुल्ज़िम को मुजरिम बनने में इतना वक्त लग जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे पहलू सामने आ जाते हैं जिससे केस जो है वो वाटर डाउन होता नज़र आता है। ऐसे में फिर हम देखते हैं कि ख्वातीन बाहर निकलती हैं, हमारे बड़े शहरों के अंदर बाकायदा एहतजाज होते हैं, फिर इंसाफ के तलबगार बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि इंसाफ दिया जाए। ये इंसाफ कैसे मिलेगा, इस निज़ाम की तब्दीली कैसे मुमकिन होगी? ये वो बातें हैं जो इंतहाई अहम हैं, खुसूसन इस हुकूमत में जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा कहते आए हैं कि यहाँ पर गरीब के लिए कानून अलग और अमीर के लिए कानून अलग है। और हमने देखा इन तमाम केसेस के अंदर जिसके पास असर है, जिसके पास पैसा है, वो बड़ी आसानी से छूट जाता है या उसे रियायत मिल जाती है। मैं आज इसी केस के ऊपर और इन तमाम केसेस के हवाले से, इस पूरे माइंडसेट के हवाले से, क्योंकि विक्टिम शेमिंग भी यहाँ पर बड़ी की जाती है, बड़े अजीब और गरीब सवाल उठाए जाते हैं, उस जुल्म पर बात नहीं की जाती, उस जालिम पर बात नहीं की जाती, बल्कि जिस पर जुल्म हुआ हो उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है कि ये गई क्यों थी, ये कहाँ थी, इसका इससे ताल्लुक क्या था, किसने कहा था इस वक्त निकले, पेट्रोल क्यों नहीं भराया था, क्या पहने हुए थी, ये बातें होती हैं। आज के डिस्कशन में अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराते चलूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब सिंध असेंबली में मेंबर भी हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ होंगी कौमी असेंबली की मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। और डॉक्टर फरजाना बारी वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, थैंक यू सो मच कि आपने भी हमें ज्वाइन किया हो। फिरदौस शमीम नकवी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे इसलिए करूँगी क्योंकि एक पेट्रियाकल सोसाइटी, एक मर्दों का माशरा जिसमें ख्वातीन के साथ होने वाले मजालिम के खिलाफ ख्वातीन ही निकलती हैं सड़कों पर और जस्टिस भी वही डिमांड करती हैं, ऐसे में जहन सोचता है कि मर्दों के जहन से क्या गुजरता है? क्या उसी तरह के सवाल आपके जहन में भी उठते हैं उमूमी तौर पर? मैं आप फर्दन आपके हवाले से बात नहीं कर रही, बट उमूमी तौर पर जिस तरह जब मोटरवे इंसिडेंट हुआ था तो CCPO लाहौर की जानिब से जिस किस्म की बात हुई थी, या नूर मुकदम कत्ल केस में भी जब मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को पेश किया गया तो सवाल पूछा गया कि क्या वो आप उससे आपका ताल्लुक़ क्या था, और बहुत ही अजीब और गरीब किस्म के सवाल पूछे गए। क्या यही सवाल तमाम मर्दों के जहन से भी गुजरते हैं? ये बहुत शिकायत और जिस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछा जा रहा है तो हमें अपने पूरे माशरे को देखना पड़ता है। हमारे माशरे में मैरिज बिफोर मैच्योरिटी वो एक इशू है, वाइफ बीटिंग, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ख्वातीन की, और ये सारी तरह प्रॉब्लम जो हैं वो इवेंचुअली वायलेंस अगेंस्ट वोमेन में जब तब्दील होती हैं तो उसकी आवाज़ उठाने वाला माशरे में कोई भी नहीं होता, इंक्लूडिंग विमेन। इसलिए कि जो शहरी इलाकों में हम ऐसे वाकयात होते हैं वो तो मीडिया की रिवाज बन जाते हैं, लेकिन हमारे देही इलाकों के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, और आज से नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान बना है, और उसके अंदर मैं समझता हूँ खातिर खा कमी नहीं आ रही,
ये कितना बड़ा जुल्म है वानी से ये डिक्लेयर कर देना कौम का, आप कुरान के साथ शादी करवा देना, जदाद में हिस्सा ना देना, तो इसके लिए सब जगह कानून आ गए हैं, उन कानून का इतलाक भी हो रहा। इतलाक क्यों नहीं हो रहा कि मर्दों, जैसे आपने कहा कि मर्दों की पावर माशरे में कहीं ज़्यादा है औरतों से, इसलिए जब हम कहा कहते हैं कि ख्वातीन पुलिस स्टेशन कम से कम हर ताल्लुके में शुरू किए जाएं जिसके अंदर ख्वातीन जाके अपनी कंप्लेंट्स करते। ये मेरी आंखों देखा वाकया है कि किसी खातून के साथ कोई जिनसी तौर पर ज्यादती की गई हो तो पुलिस के वहाँ के अफसरान मज़े ले रहे होते, ऐसे सवाल पूछते हैं कि पहले क्या की थी, दूसरी क्या की, किस तरह की, जबकि डिस्ट्रेस की सिचुएशन में खातून होती है। और मैं समझता हूँ उसकी क्वेश्चनिंग अगर किसी को करनी भी है तो वो किसी खातून को करनी चाहिए, किसी मर्द को इसके साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए। ये हमारे यहाँ SOPs लैक करते हैं और इस माशरे को डेवलप करने के लिए इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है और हर सूबाई हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जब तक नहीं डेवलप की जाएगी, मैं समझता हूँ उसका सही मानों में इतलाक भी नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं, आपने एक जिक्र किया कि आपने खुद देखा, मैंने ख्वातीन को खुद ख्वातीन पुलिस को भी बात करते देखा जिसमें वो हमेशा विक्टिम को ये समझाती हैं या सर्वाइवर को ये समझा रही होती हैं कि इस केस को दबा दो, क्यों अपनी जग हसाई करवाना चाहती हो। तो ये जो एक ओवरऑल माइंडसेट है जिसमें ख्वातीन हो या मर्द हजरात हों वो ये समझते हैं कि शायद जिसके साथ जुल्म हुआ हो उसकी बेइज्जती हुई है, जबकि बेइज्जती उस शख्स की है जिसने जुल्म किया है और उसी को बेइज्जत करना है और उसी को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। डॉक्टर शाजिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए इंसाफ के निज़ाम पर बात करते हैं डॉक्टर फिरदौस शमीम नकवी साहब कहते हैं कवानीन मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको इब्तिदा में मैंने जिक्र किया खतीजा के केस का जिसमें शाह हुसैन को 1.5 साल की रियायत दे दी गई और फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने फिर कहा कि ना तो वज़ीर आज़म ना सदर पाकिस्तान ना वजीर आला इन्होंने रियायत नहीं दी बल्कि जेल के रूल्स ने रियायत दी, और वो जेल के रूल्स जो हैं जिसमें उसने बहुत ज़्यादा मुशक्क़त उससे करवाई गई तो उसको इतनी रियायत दे दी गई, उसने कुरान शरीफ सही पढ़ लिया उसे रियायत दे दी गई। तो मतलब एक ऐसा हेनियस क्राइम करने वाला जिसने 23 बार चाकू से वार किया हो, खुदा खुदा करके तो उसको सजा दी गई थी और उसमें रियायत दी गई, एंड देयर इज नोबडी आंसरेबल टू दिस, ये किस किस्म के कानून है हमारे और ये क्यों नहीं बदले जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू नादिया, इतने इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने के लिए आपने मुझे दावत दी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो एक कानून है वो हमने किस तरह से ट्रेंड सेट किया है कि ये देखें, हमने गरीबों के लिए अलग कानून और अमीरों या इलीट क्लास के लिए एक अलग कानून बनाया हुआ है। आप ये देखें कि अपोजिशन के लिए अलग कानून है, ट्रेजरी बेंचेस के लिए अलग कानून है। आपने खुद ही जिक्र किया सानाए साहिवाल का, आपने खुद ही जिक्र किया खतीजा का, अभी रिसेंटली जो अभी इतने मोटरवे वाला इंसिडेंट था या जितने भी इंसिडेंट्स थे उन पर आपने खुद सारी बात की, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मीडिया का कि ये इन चीज़ों को जिंदा रखते हैं और वो इन चीज़ों पे बात करते हैं और सबकी बात ध्यान इस तरफ दिलवाते हैं। तो देखिए, आप कानून दो किस्म का है, अब अपोजिशन के लिए अलग कानून है कि 2 साल से खुशी छा साहब जेल में हैं विदाउट एनी एविडेंस कस्टडी में हैं, और जबकि हमारे जो साहब थे ब्लैक लिस्टेड थे वो स्पेशल एडवाइज़र बनते हैं वज़ीर आज़म के, और फिर उसके बाद वो रिंग रोड स्कैंडल में आते हैं और फिर वो स्पेशली वो बाहर चले जाते हैं विदाउट एनी, और फिर उनको क्लीन चिट भी मिल जाती है। तो ये देखिए ना, ये दो किस्म के कानून जो हैं ये इसी तरह से ही होता है कि जो आपने बात की विक्टिम की, तो अभी भी जो बात हो रही है सबसे पहले जो बात हुई ये नहीं कि जिसने मर्डर किया है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, सबसे पहले ये पूछा गया कि वो लड़की वहाँ क्या कर। बिल्कुल ठीक। तो ये देखिए कि आप जो विक्टिम की अक्विजिशन होती है वो सबसे बुरी होती है कि आप विक्टिम को और ज़्यादा या उसकी फैमिली को और ज़्यादा परेशान करते हैं और उनको और ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और आप मुझे ये बता दें कि हमारे मुल्क में रेप के कितनी केसेस हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं और कितने केसेस हैं जिन पे इंसाफ मिलता है। अच्छा, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी डॉक्टर शाजिया, बिल्कुल आप बिल्कुल सदाकत से बताइएगा, क्योंकि देखिए आप उस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं जिसने लेजिस्लेट करना है, वहाँ ख्वातीन की रिप्रेजेंटेशन इंतहाई कम है, और ऐसे पार्लियामेंट में क्या आप देखती हैं कि जब इस किस्म के वाकयात हों, जैसे नूर मुकदम केस है, जैसे कुरतुलैन है, जैसे मोटरवे इंसिडेंट है, इस पर वहाँ पर बैठे वाले हमारे मेल रिप्रेजेंटेटिव्स बात भी करते हैं, समझते भी हैं,
कि ये कितनी एग्नी के थ्रू, कितनी मुश्किल के थ्रू, कितनी हेल्पलेसनेस के थ्रू पूरी फैमिलीज गुजर रही हैं, और बच्चियां और खवातीन किस हद तक अपने आप को गैर महफूज समझती हैं इस माशरे में। देखिए नादिया, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि जिस जगह पे, जिस मुकद्दस जगह पे या नेशनल असेंबली में हम बैठे हुए, वो ऐवान की जितनी इज्जत है, मेरे ख्याल में वहां पे जो हमारे मेल मेंबरान है, भी रिसेंटली आपने बजट सेशन में देखा होगा कि एक मेंबर किस तरह से माँ बहन की गालियां दे रहे थे, लाइव आप लोगों ने सुना होगा। तो देखिए, ये इस तरह की अगर मेंटेलिटी होगी और माइंडसेट होगा, तो आप क्या समझती हैं कि वहां पे जो वुमेन पार्लियामेंटेरियन, क्या वो सिक्योर होंगे, क्या वो इस तरह से इन लोगों के साथ सर्वाइव कर सकते हैं? हमारे पास एक वुमेन पार्लियामेंट्री कोकस है, आपने अभी तक उसके बारे में देखा कि उन्होंने क्या उस पर कोई कोई एहतजाज किया, कोई प्रोटेस्ट किया, कोई बाहर निकले? वो क्योंकि उनके जो जनरल सेक्रेटरी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, तो उनकी तरफ से कोई इस तरह से, हाँ सोशल मीडिया पे वो जरूर जाएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू आपको हर जगह पे दिखेंगे, मीडिया पे वो आपको दिखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड वो आपको नजर नहीं आएंगे। दूसरी बात ये कि जो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं, वो भी एक हमारी मोहतरमा हैं, और उन मोहतरमा की तरफ से आपने कितना देखा कि उन्होंने क्या किया है अब तक। रिसेंटली आप देखें कि उस केस में क्या हुआ है कि वो एक बंदा, उसकी इतनी अथॉरिटी है कि उससे मिलने के लिए कौन कौन से लोग आ रहे हैं और कितना उसको रिलैक्स किया गया है। जी। तो ये देखें कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अब सबसे बड़ी चीज अभी आप देखें कि जो कश्मीर के इलेक्शन में जो जिस तरह से कानून की या इदारों की ये देखिए, ये कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी डॉक्टर शाजिया, बिकॉज वक्त बड़ा कम है। मैं ये एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, वहां पे इलेक्शन कमीशन ने एक मिनिस्टर को बैन किया था और कश्मीर के प्रेमिसेस से बाहर जाने के लिए कहा था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन इदारों को शट अप कॉल देते हुए उसी मिनिस्टर से पहली स्पीच करवाई और फिर खुद स्पीच की। अच्छा। तो ये हमारे कानून की हालत है कि ये देखिए कि हमारे इदारों को क्या समझा जाता है। चले, मैं इसी पॉइंट को, देखिए आपने विमेन कॉकस की बात की, ये इंतहाई अहम है और बहुत आपने साफ गोई से बयान किया कि इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू पार्लियामेंटेरियंस, डॉक्टर फरजाना, जब तक हमारे लेजिस्लेटर्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडरान इन केसेस को, मीडिया तो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ केस को आगे लेकर जा रहा है, उसे जिंदा रखे हुए है, और बिल्कुल बजा फरमाया कि जब तक मीडिया इसको लेकर चलेगा, लोग सही कहते हैं, उसके बाद फिर जैसे ही मीडिया की नज़रें हटती हैं और ऐसा लगता है कि सारे इंसाफ के तकाजे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हमारे यहाँ क्यों पार्लियामेंटेरियंस, क्यों लीडरान बाहर नहीं निकलते, क्यों आवाज़ नहीं उठाते उस मुकद्दस फोरम पर जहाँ से चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, दैट्स नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जी डॉक्टर फरजाना, आई थिंक डॉक्टर फरजाना आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा आपको डायल करती हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर किसी भी केस को, उसकी सीरियसनेस को समझने की बड़ी इंतहाई जरूरत है। आपको याद होगा एक केस के अंदर ये तय किया गया था कि जहां पर वो कानून एक्सरसाइज किए जाते थे दियत के, वहां पर अगर कोई हीनियस क्राइम है तो ये कहा गया था कि स्टेट जो है वो मुद्दई बनेगी, या डरा धमका के कि अगर किसी फैमिली को पीछे रखा गया तो स्टेट मुद्दई बनेगी और वो केस को आगे लेकर चलेगी। अब जितने भी ये वायलेंस के केसेस हो रहे हैं, तशद्दुद के, कत्ल के, ज्यादती के, इसमें एक तो उस फैमिली को तहफ़ फरवाना, अगर सर्वाइवर है उसको तहफ़ देना, और साथ में क्या स्टेट की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए? लेट्स टेक अ ब्रेक एंड डिस्कस दिस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उस इंसाफ के निज़ाम पर जिसकी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। फिर दौशमी नकवी साहब, डॉक्टर फरजाना से हमारा रबता नहीं हो पा रहा, मैं आपकी तरफ आती हूँ, क्यों आपको लगता है? देखिए प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, आप सब लोग भी बाहर निकल सकते हैं इस केस के हवाले से, या इन तमाम केसेस के हवाले से नेशनल असेंबली को भी निकलना चाहिए, आपकी जमात में सबको निकलना चाहिए। क्यों पॉलिटिक्स इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ ही है, लेकिन जो एक्चुअल आप लोगों को करनी चाहिए, जिस पे आवाज उठानी चाहिए, लेजिस्लेट भी करना चाहिए अगर कहीं लकूनाज और लूप होल हैं, जैसे कि जेल के रूल्स हैं, जिसने रियायत दे दी उस क्रिमिनल को जिसने 26 दफा वार किया खतीजा पर, इस पर क्यों आप लोग आवाज नहीं उठाते? देखिए आप जो बात कह रही हैं इस पे आवाज उठती है, और मैं कोई अपने डिफेंस में बात नहीं कह रहा, हमने सिंध के जेल के कानून तब्दील किए थे, ये वो एक वाहिद कानून है जो 2018 के इलेक्शन के बाद ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन के ऊपर कानून बना है।
और इसकी तारीफ मेरे ख्याल से सब लोगों ने की, और मैं ये समझता हूँ कि ये नहायत अहम है कि जो सोशल इशू और जो कानूनी कानून साजी है उसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर मानवीयत आनी चाहिए, फैक्चुअलिज्म आना चाहिए, उसके अंदर इश्यूज को सही तरीके से एड्रेस करके एक जामे किस्म का की कानून साजी होनी चाहिए जिसमें सारे लोगों की आरा को मद्देनजर रख के कानून दानों से भी मशवरा करके बेहतरीन कानून साजी की जाए, इससे कि ये हम अपनी आइंदा की नस्लों को रास्ता दिखा रहे। सही। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी पॉलिटिकल विजडम या मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई है। यहाँ कानून साजी ज़्यादातर आप अगर देखेंगे तो 90% कानून साजी जो है वो सिर्फ हुकूमत चलाने के लिए की जाती है, सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए नहीं की जा रही। और ये मैं किसी एक असेंबली का जिक्र नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की तारीख का जिक्र कर रहा हूँ माली की, और इस चीज को तब्दील होना चाहिए। और जहाँ आप बात करती हैं कि ये इस वक्त ख्वातीन का, और जिस केस से मैं समझता हूँ कि पहली दफा ये बात आई थी कि स्टेट शुड बिकम अ पार्टी, वो शाहरुख जतोई का था। एग्जैक्टली। शाहरुख जतोई साहब कितने आराम से दिया देके चले गए, वो शाहजेब कातिल केस वाला, वो एक अमीर के जादे के अमीर के अमीर जादे थे और उनके वालिद माशाल्लाह बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, और वो असर असूख इस्तेमाल करके हुआ। अच्छा, पाकिस्तान में ये जो कानून का निजाम है इसके अंदर जुडिशरी को सबसे पहले अपने खुद रूल्स बनाने चाहिए, इससे कि जब लेजिस्लेटर्स भी इंटरफेयर करते हैं उसके अंदर तो वहाँ मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो फिरदौस शरीफ नकवी साहब, देखिए क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि इंसाफ का यकसा निज़ाम गरीब के लिए और अमीर के लिए एक, आप समझते हैं 3 साल में इसमें ज़रा सा भी आप लोग काम कर पाए हैं? क्योंकि देखिए जो खवातीन का कानून डोमेस्टिक वायलेंस का था वो तो बंद किया और उसके बाद कह दिया गया चलें जी इसको इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल भेज देते हैं, पहले वो बताएंगे। मेरे ख्याल से मुझसे सवाल है? जी जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि काम हुआ है, अगर आप नेशनल असेंबली से जो कानून पास हुए हैं उसके अंदर काफ़ी सारे कानून ऐसे हैं, कुछ सेनेट में फंसे हुए हैं, कुछ रूल्स ऑफ बिजनेस में फंसे हुए हैं, और एक आध कानून जो है वो इस वक्त इतलाक हो गया है। लेकिन जो नेशनल असेंबली का और सेनेट का माहौल चल रहा है, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा कानून साजी इफेक्टिव किस्म की इस माहौल में हो पा रही है, और इसको बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ओके। और ये आवाम को भी सोचना होगा, देखना होगा कि जैसे दुनिया भर में हर पार्लियामेंटेरियन का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ये जो एज एंड नोज का सिलसिला है इसको ख़त्म होना चाहिए, और इस पर बाकायदा इलेक्ट्रॉनिकली हमें वोट करें कि हर MP MNA का और सेनेटर का रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस इशू पे इसने किस तरह वोट किया, तब वो रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक के सामने आएगा तो पता चलेगा कि किस लेजिस्लेटर की क्या स्टैंडिंग है ऑन अ सर्टेन। सही, बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत। अच्छा, अब ये तो लाने की जरूरत है, करना चाहिए है, ये बातें यहाँ से आगे नहीं जाती ना, ये सोच तो बहुत अच्छी है, और आप जैसे कई ऐसे पार्लियामेंटेरियंस होंगे जो ये चाहते होंगे, दीगर जमातों में भी होंगे, लेकिन अब तक ये मुमकिन नहीं हो पाया। अब आपने जिक्र किया कि असर रसूख के तहत जिस तरह से शाहरुख जतोई का आपने जिक्र किया, यहाँ भी डॉक्टर शाजिया, क्या आपको लगता है नूर मुकदम को इंसाफ मिलेगा? अगर आप की नज़र से गुजरा हो तो वो उसने ये कहा कि मैं US सिटीजन हूँ, और उसके बाद हमने देखा कि US एम्बेसी के एक स्टाफ हैदर ईटन की मुलाकात भी हुई है जाहिर जाफर से, तो क्या हमारी लॉ ऑफ द लैंड इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी कि वो अमेरिकन सिटीजन है? देखिए नादिया, भी आपने बात की कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखें, हम लोगों ने आप लोगों को याद होगा कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने पहली स्पीच दी थी तो उन्होंने यही कहा था कि कोई भी ऐसा इशू होगा, नेशनल कॉज होगा या नेशनल कोई प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग आपके साथ बिल्कुल एज अ पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, हम आपके साथ एज अ पोजिशन नहीं होंगे।
तो देखिए, हमने कितनी दफा आपसे कहा है कि आए बैठे मिलके हम लोग कानून बनाते हैं, हम मिलके ये लेजिस्लेशन करते हैं, लेकिन आपको एक ही बात याद आती है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये चोर है, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन देखिए, सबसे पहली बात देखिए, कि ये डिस्कशन हमारी, आई एम आपको सॉरी, कहीं और चली जाएगी। आप ये जरूर इनको कह सकती हैं, लेकिन लेकिन फिर सिंध के नहीं, अंदर ऐसे कौन से कानून आपने पास कर लिए, कौन से रूल ऑफ बिजनेस बना दिए, मैं वही कौन बात, सी चीजें वही बात बेहतरीन कर दी कि यहीं नादिया, से असर रसूख नादिया रखने मैं वाले वही लोग, चाहे वो खातून हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो हीनियस क्राइम्स में मुब्तला हो, सबसे बाइज्जत बरी होते चले जा रहे हैं। नादिया मैं वही बात आपसे करने लगी हूँ कि वही चीजें जब आप शुरू करेंगे तो देखिए हर जगह पे वो चीज जाएगी ना, कि देखिए नेशनल असेंबली में ये लेजिस्लेशन स्टार्ट हुई है, उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज में पड़ेगा। तो ये चीजें करने के लिए आपको बैठना होगा, साथ बैठ के ये सारी बातें करनी होंगी। और अभी आपने खुद कहा है कि देखिए यहाँ पे हमारा जो इतना बड़ा कानून, इतने बड़े हमने इदारे देखे, क्योंकि अभी आपने खुद ही जिक्र किया है कि मुलाकात हो चुकी है एक अमेरिकन एम्बेसी के जी, बंदे यूएस की। एम्बेसी के तो देखिए स्टाफ जब की। इस तरह से होगा तो जो देखिए वहां के जो बंदा जिसने मर्डर किया, जो जिसने कातिल है, और वो इतने वसूख से उसने कहा था कि मैं तो यूएस का सिटीजन हूँ और मुझ पे तो कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो देखिए ये चीजें हैं, जब लोगों के दिल से खौफ और टॉलरेंस खत्म हो जाती हैं तो इस तरह के वाकयात ज्यादा जोर पकड़ते हैं। अभी आप देखें कि इन 3 सालों में या 4 सालों में इस तरह के ये वाकयात, चाहे वो बच्चों के साथ अब्यूज होने के हो, बिल्कुल रेप केसेस हो, मर्डर के केसेस हो, कितने हुए हैं, कितने रजिस्टर हुए हैं, सही, कितने केसेस पे सिर्फ आवाज उठाई आपने गई। बिल्कुल मेरा सही तो कहा। यही और कहना हमें है, हमें ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, डॉक्टर शाजिया, एंड शी हैज़ वर्क्ड अ लॉट ऑन दीज इश्यूज। इन्होंने बहुत हर जगह जहां एहतजाज होता है ताहिरा साहिबा मौजूद होती हैं, आवाज़ उठाती हैं। लेकिन यही सवाल है कि आप सबके होते हुए, असेंबलियों के होते हुए, गवर्नमेंट के होते हुए, रियासत के होते हुए, क्या सिविल सोसाइटी ही बाहर निकलती रहेगी और आवाज़ उठाती रहेगी और इंसाफ इसी तरह मिलेगा? मैं एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तायरा साहिबा, ताकि फौरी तौर पर हम इस पर आपका कमेंट ले सकें। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ हैं और डॉक्टर शाजिया असलम सोबिया साहिबा हमारे साथ हैं। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बात हो रही है इंसाफ के उस निज़ाम पर जिस पे मेरे दोनों मोहतरम मेहमान ये समझते हैं लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए, ऐसे कवानीन होने चाहिए, और फिर भी आपस में यही है कि नेशनल असेंबली पास करे तो सूबे फिर उसके बाद उसको फॉलो करेंगे। कब तक ये सब होता रहेगा कि सिविल सोसाइटी ही आवाज़ उठाएगी? और हमारे पार्लियामेंटेरियंस ट्विटर पर तो अफसोस कर देंगे, लेकिन जहाँ उन्होंने काम करना है कि कोई बच ना पाए, जैसे कि इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर जाफ़र जो है उनसे यूएस एम्बेसी का स्टाफ मिल रहा है, और क्या हमारी लॉज, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो इसलिए अंडरमाइन होगी कि वो यूएस सिटीजन है? क्या समझती हैं आप? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि आम तौर पर तमाम मेहमानों को इकट्ठा ले लेना चाहिए ताकि सबकी बात सुनाई दे। मुझे आपने अभी टेलीफोन किया है, मुझे नहीं मालूम कि मुझसे पहले मेहमानों ने क्या गुफ्तगू की है, लिहाजा मैं तो सिर्फ यही बात कर सकती हूँ जो आपने अभी सवाल किया है। जहाँ तक कानून साजी का ताल्लुक है और सिविल सोसाइटी का आपने जिक्र किया, ये आजकल बहुत फैशनेबल हो गया है कि कानूनदानों को भी कसूरवार ठहराया जाए और सिविल सोसाइटी को तो की तो बैशिंग कब से होती चली आ रही है, चाहे कोई भी हुकूमत हो सिविल सोसाइटी की बैशिंग करनी लाजमी है, चाहे हुकूमत करे, सियासतदान करें या मीडिया करे, आप लोग सब मिलकर सिविल सोसाइटी को बैश करते हैं और उनको कसूरवार ठहराते हैं। ये अपनी किसी और दिन के लिए ये बहस उठा रखेंगे। इस वक्त आपका सवाल ये है कि ये शख्स बच निकलेगा या नहीं बच निकलेगा, क्योंकि इसकी दोहरी शहरियत है, पाकिस्तानी और अमरीकी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि कवानीन इस मुल्क में मौजूद हैं। हम यहाँ कानूनदानों को और पार्लियामेंटेरियंस को और असेंबलियों के अराकीन को कसूरवार नहीं ठहराएंगे। हम क्योंकि पे दर पे तशद्दुद के वाकयात, कत्ल के वाकयात, रेप के वाकयात होते चले जा रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। औरतों के खिलाफ, लड़कों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ,
हर जगह ये चीज पूरे के पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों में हर जगह तमाम खितों में बढ़ता चला जा रहा है ये रुझान। तो सबसे पहला जो सवाल मैं अपने सामने अपने लिए और आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि इसकी वजूहात क्या है, ये बढ़ता क्यों चला जा रहा है। कानून मौजूद है, कानून को आप सख्त से सख्त करते जाएंगे। मसलन सितंबर में लाहौर रावलपिंडी मोटरवे पर, जो कि नेशनल मोटरवे है, जीटी रोड नहीं है, उस पर एक औरत का गैंग रेप हुआ था सितंबर के महीने में, आपको याद होगा। तो बजाय इसके कि कानून पर अमल दरामद होता, दो चीजें होने लग गई, एक विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग, और दूसरी चीज कि हुकूमत ने एक नी जर्क रिएक्शन करके दो ऑर्डिनेंसेस निकाल दिए दो महीने बाद, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस जो कि किसी पार्लियामेंट के जरिए नहीं थे, किसी सूबाई असेंबली के जरिए नहीं थे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जिनको हम मानते नहीं और रद्द करते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस को, वो मिलिट्री डिक्टेटरों का ये सेवा होता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस निकालें। लेकिन वो जो बनाया गया है, वो जो दो ऑर्डिनेंसेस बनाए गए हैं, फांसी पे लटका दो, केमिकल कंस्ट्रेशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पब्लिक पब्लिक चौराहे पर लटका दो, देखिए इस तरह नहीं जुराइम का उसको रोका नहीं जाता, सत्यबाब इस तरह नहीं होता कि आप फांसी पे चढ़ा दें या केमिकल कंस्ट्रेशन कर दें या फिजिकल कंस्ट्रेशन कर दें। बात ये होती है किसी भी मुल्क में जो कि बनाना रिपब्लिक नहीं होती और जहां पर कानून की हुक्मरानी होती है, वहां मुजरिम को, मैं मुजरिम नहीं कह रही, मुजरिम को इस बात का यकीन हो कि मैं कानून तोड़ूंगा, कानून मुझ पर लागू होगा और कानून बहुत सख्त है। इट इज नॉट द सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट, इट इज द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जो कि सद्देबाप करता है और कमी लाता है जराइम के। और ये हमारी सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट आपको नहीं दिखती है? नहीं जी, नहीं दिखती है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ बहुत बहुत सख्त तरीन कवानीन है कत्ल के खिलाफ, रेप के खिलाफ, वगैरह वगैरह के खिलाफ, वहाँ पर हमारे यहाँ बहुत बुरे कवानीन भी हैं जो कि जाते हैं, जिनकी ताना बाना जाके मिलता है जनरल जियाउल हक से। मैं जिक्र कर रही हूँ उन कवानीन का जो कि आज तक कोई भी जमहूरी तौर पर, यहाँ आपके पास जमहूरी लोग मौजूद हैं, इनकी कई कई बार फेडरल गवर्नमेंट में और सूबाई हुकूमतों में इनकी हुकूमतें आई हैं, इनमें से किसी को तौफीक नहीं हुई कि जियाउल हक के बनाए हुए बहुत गंदे और घनौने कानून को ये छू भी सके। हत्ता के 18वीं आईनी तरमीम आई 2010 में, उस वक्त हम लोग चीख चीख कर इनको कह रहे थे, आप लोग बड़ा फैशनेबल हो गया सिविल सोसाइटी को बुरा भला कहना, लेकिन हम लोग पार्लियामेंट से बाहर बैठकर चीख चीख कर कह रहे थे कि खुदा के वास्ते 8वीं आईनी तरमीम जियाउल हक की 1985 उसको भी रिपील करो, जहां 110 आपने तरामीम की है आईन में, वहां ये भी एक तरमीम करो। इन्होंने हाथ नहीं लगाया, और ये दोनों पार्टियां जो आपके पास इस वक्त मौजूद हैं और हुक्मरान पार्टी पीटीआई की हो या पीपीपी की हो या पीएमएल काफ नून वगैरह वगैरह या मजहबी सो कॉल मजहबी नाम निहाद जमाते हो, किसी में हिम्मत नहीं हुई, अपने आप को बड़ा जमहूरी कहते हैं, हिम्मत नहीं पड़ी किसी की कि वो जियाउल्लाह के घनौने, वो जो घनौने, नहीं मेरी बात खत्म होने दे, वो जो घनौने कानून की मैं जिक्र कर रही हूँ वो ये है कि वो पाकिस्तान में कानून को प्राइवेटाइजेशन की इजाजत देता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ जस्टिस तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि सुलह नामा साइन कर लो, मुआफीनामा साइन कर लो, राजीनामा साइन कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, सेटलमेंट कर लो, एडीआर कर लो, पंचायत जिरगा बिठा दो, ये सारे काम हो जाएंगे पैसे की बलबोते के ऊपर। इसका नतीजा ये होता है कि अमीर लोग जीत जाते हैं, अमीर मुजरिम बाहर निकल आते हैं, उनको कोई सजा नहीं मिलती। अब यहाँ पर क्योंकि पैसे वाला मुजरिम कातिल जो है वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, और जो मकतूला है उसकी फैमिली मुतवस्सित तबके से है, बिल्कुल एक तो यहाँ पर फर्क नजर आ जाता है, दूसरा उसकी दोहरी शहरियत है, तो वो ये दोष दे रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं तो अमेरिका चला जाऊंगा। हम सख्ती से तरदीद करते हैं और सख्ती से मजम्मत करते हैं इस तरह के रवैये की, उसको कोई शर्मसारी नहीं है, कोई रिमोर्स नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है, उसको तो उसका तो गुरूर और तकब्बुर नहीं खत्म होता कि मैं तो अमरीकी शहरी हूँ तो मुझे कुछ नहीं करता। अच्छा तायरा साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको बयान किया, मैं लास्ट वर्ड्स लेना चाहूंगी फिरदौस शमीम नकवी साहब आपसे और डॉक्टर शाजी आपसे। देखिए बड़ी सही बात है, ये राजीनामा, ये सेटलमेंट, ये
बहुत सारे इस किस्म के जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं जो मैंने शुरू में जिक्र भी किया कि खतीजा के छुरी से वार करने वाले शाह हुसैन को 1.5 साल की रायत दे दी गई, वो रूल्स जो हैं वो जेल के रूल्स के हवाले से कि उसने अच्छी मुशक्कत कर ली और ये सब कर लिया, ये सब तब्दील करने के लिए क्या होगा, इस सर्टेनिटी पनिशमेंट के लिए क्या होगा, सिर्फ वजीर आजम के नोटिस लेने से कुछ नहीं होता? देखिए, पहली चीज, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ ताहिर अब्दुल्ला के काम की, लेकिन मैं उनको इतना बड़ा मुफक्किर नहीं समझता कि मेरे दीन के बताए हुए जो असूल हैं कि मैं उनको रद्द करूँ। दियत का कानून इस्लाम का एक हिस्सा है, इतने आराम से इसको रद्द नहीं किया जा सकता। असल में माशरे में से खौफ ख़त्म करना है, जबर ख़त्म करना है। जिस माशरे में खौफ और जबर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये दियत का कानून जो है वो मसला नहीं रखता। जो जहाँ खराबी पैदा हो रही है वो इस खौफ और जबर की, तो इसलिए वन साइडेड व्यू नहीं लिया जा सकता इन चीज़ों का। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई लकुना है उसको पॉइंट आउट किया जाए, और जैसे कि रूल, लेकिन शमीम नकवी साहब, आपने ही कहा कि शाहज़ेब कत्ल वो केस में जिस तरह से शाहरुख जतोई ने पैसे का इस्तेमाल किया, सेटलमेंट की, वहां दियत का कानून लागू हुआ ना? जी देखिए, मसला मैंने आपको कहा ना कि आपने जब ये सवाल पूछा था तो इसने कहा था कि स्टेट शुड बिकम अ पार्टी टू सच क्राइम। एग्जैक्टली, स्टेट को बन जाना चाहिए, तो स्टेट के लिए दियत नहीं है। गलत बात, स्टेट, ये बिल्कुल स्टेट गलत का बात, ये बिल्कुल गलत बात। आदमी जो कि फ्यूचर है उसको सजा मिले। मैंने ये नहीं कहा किसी भी इस बहस में कि स्टेट शुड नॉट बिकम अ पार्टी। तो इसलिए देखिए, कुछ कुछ जगह ये सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री मर्डर में दियत के कानून के होने के विक्टिम की फैमिली को कुछ फायदे हो सकते हैं। एक वो है हीनियस क्राइम, प्री मेडिटेटेड विलफुली साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स पीपल बेनिश टू द सोसाइटी, वो क्राइम कमिट करें, उनको जो है मार्शल में बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। तो हमें डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है, हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए ऐसे इशू के ऊपर। जो मेन इशू है, जो मेन इशू है, मैं जवाब देना चाहती हूँ। मेन इशू, जी जी ताहिर साहब, वो देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होगा। अगर 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 कानून की हुक्मरानी है और अदल व इंसाफ का बोल भाला है, तो ये कह देना कि कोई इमोशनल हो रहा है दूसरा इमोशनल नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत और फरसुदा किस्म की बातें हैं। एक औरत कत्ल हुई, उसके बाद 10 औरतें और पूरे पाकिस्तान में कत्ल हो गई, लेकिन वो गरीब औरतें थी ना, उनका कोई मीडिया उनको उछाल रहा है ना कहीं और, हम पार्लियामेंटेरियंस उनका नाम ले रहे हैं, सिविल सोसाइटी है जो कि नाम ले रही है गरीब। नसीम का नाम किसने लिया, कुरतुलैन का नाम किसने लिया, कायमा का नाम किसने लिया? हम हैं जो कि पीछे पड़े हुए हैं कि भाई हर औरत को इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ के लिए कानून साजी को सही करना होगा, वरना अमीर के लिए एक इंसाफ और गरीब के लिए एक और इंसाफ। अमीर अपने पैसे के बलबोते के ऊपर इंसाफ को अपने हाथों में खरीद रहा है, हमें हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं ये होता हुआ। बिल्कुल सही, अमीर हमेशा खरीद लेता है अपनी रिहाई और अपनी आजादी को खरीद लेता है अमीर। हाँ, ये जो आपने बिल्कुल सही बात कही, और यही बात प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कहते हैं। अब देखना है कि देखे कितने सारे केसेस। प्राइम मिनिस्टर का तो जिक्र ना ही करें, उन्होंने तो कहा था कि औरतों का लिबास मर्दों को अटेम्प्ट करता है रेप करने के लिए, क्योंकि मर्द रोबोट नहीं है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बीच में इस सीरियस गुफ्तगू में ना ही लाए। लेकिन जहां कानून साजी को सही होना है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसी पर हम बात कर रहे थे कि इंसाफ का ऐसा निजाम जिसमें सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट हो, सिवेरिटी पर नहीं, हमने सर्टेनिटी पर बात करनी है। नूर मुकदम कत्ल केस का जिक्र है, लेकिन इससे पहले कुरतुलैन का, साइमा का, नसीम कौर जैसी कई ऐसी खवातीन हैं जो गरीब हैं, वो बेचारी जुल्म का शिकार भी होती हैं, तशद्दुद का शिकार भी होती हैं, बहिमाना कत्ल का शिकार भी होती हैं, उनकी फैमिलियां तबाह हो जाती हैं, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली जो विक्टिम है, और एक बड़ा असर रसूख और दोहरी शहरियत वाला जिसको ज़रा भी शर्मशारी नहीं अपने इस घिनौने जुर्म पर, और वो बार बार यही कहता नज़र आता है कि मैं तो अमेरिकन सिटीज़न हूँ। देखना है कि इस टेस्ट केस को कैसे हुकूमत वक्त और रियासत इंसाफ देने में पूरी अपनी मशीनरी लगाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।